देखो आज हम लोग ना लाइट रिफ्लेक्शन इन प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, मतलब ये वाला आप लोगों को बुक में दो चैप्टर होगा लेकिन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन इन प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे हम लोग प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस दोनों सरफेस में लाइट का रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे ओनली। फिर से बोल रहा हूं, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे दोनों सरफेस में प्लेन और स्फेरिकल। आप लोग को बुक में दो चैप्टर होगा, दोनों चैप्टर को कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे दोनों सरफेस में, प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस में, ठीक है। लाइट होता क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते लाइट का। लाइट होता क्या एक्चुअल में, आप लोग सब बुक कॉपी लेके बैठ, बुक कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी समझ में आएगा। आप लोग देखते हैं जो कुछ इसको बोलूंगा, पहले थ्योरी का थोड़ा बता। लाइट होता क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या तो फॉर्म है लाइट, ठीक। व्हिच एनेबल टू सी, जिसको हम लोग को दिखता नहीं है, व्हिच एनेबल टू सी, जिसको हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट का, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, देखो लाइट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट क्या होता है, दोनों नेचर दिखाते हैं, कभी पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं, कभी वेव नेचर भी दिखाते हैं। लाइट का पार्टिकल नेचर मतलब लाइट का क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। और वेव नेचर में लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है। पढ़ोगे आप लोग हायर क्लास में, 9 में पढ़ के आए होंगे वेवलेंथ वगैरह क्या बोलते हैं। लाइट क्या होते हैं, वेव नेचर भी दिखाते हैं और पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं। लाइट शैडो बनाते हैं। लाइट क्या, जिस तरफ जाते हैं उसमें अगर कुछ सामान रखूंगा तो उसके पीछे क्या होता है, शैडो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोले, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, अगर कोई सरफेस के ऊपर अगर लाइट गिरता है, कोई सरफेस के ऊपर लाइट गिरता है तो दो चीज हो सकते हैं। कोई सरफेस के ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, दो चीज हो सकता है। क्या क्या होता है देख लेते हैं, बोले लाइट फॉल ऑन द सरफेस, दो चीज होता है, रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। इन्हीं से हम लोग को टॉपिक स्टार्ट होता है। लाइट जब कोई सरफेस के ऊपर गिरता है, फॉल ऑन लाइट, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, देन दो चीज हो सकता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। यही हम लोग को टॉपिक, मेन टॉपिक है दोनों। आज हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर रे डायग्राम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या, रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, मतलब वही लाइट
when light fall on it, when light fall on it, sorry, fall on it, fall on a polished surface, when light fall on a polished surface, then when light fall on a polished surface, then the light bounces back after striking the surface. फिर से बोल रहा हूँ, देखो बोले when light fall on a polished surface, then the light bouncing back after striking the surface. मतलब क्या होता है यहाँ पे समझो, मैं समझा रहा हूँ. पॉलिश सरफेस, मान लीजिए चलो यहाँ पे एक तो सरफेस है, एक साइड को मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ, मिरर जैसे है ना, पॉलिश कर दे रहा हूँ. ओके, बोले वही लाइट फॉल ऑन ए पॉलिश सरफेस, जब लाइट इसके ऊपर गिरते हैं फॉल होता है, क्या होता है, बाउंसिंग बैक. जैसे होते बॉल को, क्रिकेट बॉल को बाउंस करते तो क्या होता है, बाउंस करा हुआ जाते हैं हाथ में फिर वापस आ जाते हैं ना, वैसा टाइम यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट पे पॉलिश सरफेस में इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस में स्ट्राइक करेगा फिर बाउंस होके वापस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल बना देते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, जो लाइट आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं. जो लाइट स्ट्राइक करने आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. स्ट्राइक करने के बाद जो वापस आ रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. फिर से बोला हूँ, जो लाइट आ रहा है स्ट्राइक करने में उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं. स्ट्राइक करने के बाद जो वापस जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. जहां पे स्ट्राइक हुआ उस पॉइंट में तो परपेंडिकुलर बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनेगा. ठीक है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना है उसको आई बोलते हैं. इसका नाम क्या है बता रहा हूँ. और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना है उसको आर बोलते हैं. आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट. और इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं. आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हैं. इसे बोलो मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझो, कोई कोई लाइट है. ठीक है, जब कोई पॉलिश सरफेस मतलब एक साइड को क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देते. जैसे मिरर देखोगे आप, मिरर अगर कभी क्या होता है आईना टूट जाते हैं ना, उसका अपोजिट साइड देखना ना, उसमें सिल्वर का लेयर रहता है, पॉलिश किया रहता है. ठीक है, तो ऐसे एक मिरर मान के चलो. ठीक है, यहाँ पे लाइट अगर क्या होता है, इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, स्ट्राइक करने के बाद फिर वापस बाउंसिंग बैक हो जाता है, उसी मीडियम में वापस हो जाता है. ठीक है, जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट से बोलते हैं. स्ट्राइक करने के बाद वापस जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ठीक है, और इंसिडेंट रे जहां जिस पॉइंट में इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं, आई राइट, आई मीन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं. नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड जो एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं.
इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना बात समझ में आ गया सबको? ये सर नो। देखो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं आप लोग को, रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट कोई लाइट अगर पॉलिश कर, मान के चलो आईना है ठीक है, मिरर है, उसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, गिरने के बाद स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, बाउंसिंग बैक हो जाएगा, मतलब वापस उसी मीडिया में वापस चले जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे लाइट आ रहा था ठीक है, ये तो पॉलिश सरफेस है, देखो एक साइड पे क्या करना, पॉलिश करना ठीक है। मिरर में देखोगे अगर कभी आईना टूट जाता है तो उसको अपोजिट साइड को अगर देख लेना, उसमें क्या होता है पॉलिश किया सरफेस में, लाइट क्या स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद बाउंसिंग बैक है उसी मीडियम में वापस चले जाते हैं। जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। स्ट्राइक करने के बाद जो वापस जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया सबको? फिर आगे खड़ा भी जाते हैं। इतना बात आ गया सबको समझ में? Yes, sir. अब आगे देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में कुछ लॉ होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ रिफ्लेक्शन क्या दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट angle of incidence is equal to angle of incident is equals to angle of reflection, angle of reflection बोले जो angle of incident बन रहा था जो angle of reflection बन रहेगा दोनों क्या होगा same होगा, यानी I equals to क्या होगा R होगा, जो I angle बन रहा था I equals to क्या होगा आ रहा ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोल रहे, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल at the point of incidence lie on the same plane, मतलब सब क्या हुआ एक ही प्लेन में होते हैं। कैसे मैं समझा रहा हूं देखो, यहां पे मैं साइड में ड्रॉ फिर से बना रहा हूं, देखो मान के चलो यहां पे पॉलिश सरफेस है ठीक, यहां पे इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्टेड हुआ ये नॉर्मल, यहाँ पे ध्यान से देखना ये नॉर्मल है ना, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है। अगर ये बोर्ड को प्लेन मान लो ठीक है, अच्छा समझना, ये बोर्ड को प्लेन मान लो, देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल सब क्या है, ठीक प्लेन में इसी बोर्ड के अंदर क्या, अच्छा समझना बात को क्या बोल रहा हूँ। ये जो अगर बोर्ड को मैं प्लेन मान लू इस साइड को आगे वाला साइड को शॉर्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे भी इस प्लेन में है, इसको अगर प्लेन मान लू इंसिडेंट है इस प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड है इस प्लेन में है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में, सब तीनों क्या होगा एक ही प्लेन में। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड को अगर मैं प्लेन मान लू सामने वाला फ्रंट साइड को ऐसे देखूंगा तो क्या देखेगा, इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल तीनों के तीनों क्या है एक ही प्लेन में ठीक है। ये हो गया आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ था बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इमेज, इमेज फॉर्म होता है ना, इमेज क्या कितना टाइप का होता है, इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक। इमेज क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट at least two light rays meet
एक्चुअली और अपीयर्स टू मीट। और इमेज कैसे बनेगा कहां पर बनेगा, वो जब दो लाइट में दो और दो से ज्यादा मिनिमम कितना होना चाहिए दो, वे दो लाइट में जब कोई एक पॉइंट में मीट करता है और अपीयर्स टू बी मीट मतलब लग रहा है मीट कर रहे हैं, क्या होता है एक तो सही में मीट करेगा और एक तो बताऊंगा इमेज जब फॉर्म करेंगे तो बताएंगे समझ में आएगा। बोले क्या होता है जब मिनिमम दो लाइट रे एक पॉइंट में मीट करेगा नहीं तो लग रहा है मीट कर रहा है इसमें, तब क्या बनता है इमेज बनता है। जब दो लाइट रे एक तो पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेगा नहीं तो लग रहा है मीट कर रहा है रे का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग इमेज बोलेंगे। ठीक है, इमेज दो टाइप होता है, इमेज क्या होता है दो टाइप होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। दो टाइप होते हैं, एक तो रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक बार नाम से पता चल रहा है रियल, रियल मतलब रियल इमेज करेगा तो लाइट रे। मैं यहाँ पे दो चीज बोला था ना, इमेज ये डेफिनेशन बोला था क्या होगा रियली मीट कर रहा है और अपीयर्स टू बी मीट, लग रहा है मीट हो रहा है नहीं तो क्या रियल में सही में मीट करेगा। ठीक है, जब सही में मीट करेगा तब क्या होगा रियल इमेज बनेगा, जब सही में मीट करेगा तब क्या बनेगा रियल इमेज बनेगा। कब बनेगा मतलब जब लाइट रे इट इज फॉर्म्ड व्हेन व्हेन लाइट रे when light ray actual meet, जब सही में क्या करेगा मीट करेगा लाइट ray जब सही में मीट करेगा तब क्या बनेगा रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज याद रखना हमेशा क्या होते हैं इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होते हैं। रियल इमेज हमेशा क्या होते हैं उल्टा होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। रियल जहां पे दिखेगा वहीं पे सीधा इन्वर्टेड आ जाएगा, रियल इमेज हमेशा क्या होते हैं इन्वर्टेड होते हैं उल्टा होते हैं। वर्चुअल इमेज का क्या होगा यहाँ पे क्या होता है रियल में एक्चुअल में मीट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा अपीयर्स टू बी मीट, लग रहा है मीट हो रहा है। It is formed when light ray appears to be meet. जब ड्रॉ बनाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा, अभी बस थोड़ा बहुत समझ लो क्या होगा। जब लाइट रे सही में मीट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। जब लग रहा है मीट हो रहा है हम लोग इमेजिन करेंगे मीट कर रहे हैं तब क्या बनेगा वर्चुअल इमेज बनता है, तब क्या बनता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है देखो रियल इमेज जहां पे दिखेगा सीधा क्या लिखोगे तुम लोग इन्वर्टेड लिखोगे, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है इरेक्ट बोलते हैं उसको, इरेक्ट सीधे को क्या बोलते हैं यहाँ पे इरेक्ट बोलेंगे। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है इरेक्ट होता है, इसका साइज क्या होता है इक्वल। अच्छा यहाँ पे ये यहाँ पे इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्किन, इट कैन नॉट बी ओवर, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्किन, इसको स्किन में नहीं दिखा सकते, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्किन ऑन स्क्रीन, ये हो गया इमेज। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। देखो वर्चुअल मतलब क्या होता है हम लोग क्या बोलेंगे थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, जो लाइट रे दोनों लाइट रे क्या हो रहा है एक पॉइंट में मीट हो रहा है, सही में मीट नहीं करते लेकिन हम लोग इमेजिन करेंगे मीट हो रहा है उसमें क्या होता है वर्चुअल इमेज बनते हैं। और रियल इमेज में क्या होता है लाइट रे एक्चुअल में मीट होता है। ठीक है, मैं ड्रॉ बना रहा हूँ समझने के लिए।
इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर, एक तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बन रहा है मैं बता रहा हूं, अच्छे समझना। जैसे मान के चले यहां पे एक मिरर है, देखो इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है थोड़ा देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अच्छे समझना इसको, एक तो अच्छे समझ जाओगे बाकी सब बना लोगे। देखो मान लो यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका हम लोग इमेज देखना है, ठीक है। तो मिनिमम कितना लाइट रे चाहिए निकालना है उससे, बोला हूँ क्या बोला, बोलो इमेज के लिए कितना चाहिए, मिनिमम कितना लाइट रे होना चाहिए, बोलो मिनिमम कितना लाइट रे मीट करेगा उसको। कुछ नहीं सुन रहे हो, कुछ नहीं, अभी तो बोला मिनिमम कितना लाइट रे होना चाहिए, दो लाइट रे होना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे कर रहा हूँ, दो लाइट रे, एक टू में सीधा निकाला, ठीक है, परपेंडिकुलर। याद रखना अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उसी पाथ में वापस आ जाते हैं, क्या होते हैं, उसी पाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। कोई लाइट रे 90 डिग्री में सीधा अगर इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, उसी पाथ में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और एक निकाल रहा हूं यहां से, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब देखो इसका जो रिफ्लेक्टेड है इधर जा रहे हैं, इसका रिफ्लेक्टेड है इधर आ रहा है, कभी मीट होगा क्या, बात समझना अच्छे से। इसका रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसका रिफ्लेक्टेड है इधर आ रहा है, कभी मीट होगा, यह समझ लो, क्या बोला, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे सीधा इंसिडेंट हुआ, तो क्या बोला, क्या बोला, वो अगर सीधा इंसिडेंट होता है, अगर 90 डिग्री में इंसिडेंट होगा तो उसी पाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। अरे एक तो क्या किया हूँ, यहाँ पे इंसिडेंट किया हूँ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये आई है, आर है, अब इसका रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्टेड यहाँ पे, दोनों मीट करेगा, बताओ बताओ मीट करेगा, यस और नो, कभी मीट करेगा दोनों, नहीं करेगा। देखो जब नहीं करते हम लोग क्या करते, इमेजिन करना पड़ता है, रियल में जब मीट नहीं होते, मैं क्या बोला हूँ, जब रियल में नहीं होता है हम लोगों को वर्चुअल में आना पड़ता है, मतलब इमेजिन करना पड़ता है। देखो कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, पीछे से लाइन बढ़ा लेते हैं और इसको पीछे से बढ़ा ले रहा हूँ, देखो इस पॉइंट में मीट हो रहा है, बात समझ में आया, यहाँ पे इमेजिन किया हूँ ना, देखो रियल में तो मीट नहीं हुआ था, हम लोग इमेजिन कर, यहाँ पे थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया हूँ, पीछे इधर भी बढ़ा दिया हूँ, तो एक पॉइंट में मीट हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे था इमेज बोलूंगा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, जो इमेज बना है उस पर कैसा टाइप होगा। फर्स्ट पॉइंट, कैसा टाइप इमेज है, वर्चुअल रियल कैसा टाइप इमेज है, बताओ जल्दी से, सही में मीट हुआ लाइट रे ना, अपीयर टू मीट हुआ, बोलो बोलो, रियल, तो रियल में मीट नहीं हुआ तो कैसा टाइप इमेज बोलते हैं उसको, रियल क्या, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे होता है, इरेक्ट क्या इनवर्टेड होता है, इरेक्ट, इरेक्ट देख के भी लग रहा है, देखो इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज बना है, सीधा बना है ना। थर्ड पॉइंट देखो इसका साइज, बोले ऑब्जेक्ट भी जिस साइज का था इमेज भी उसी साइज का हुआ, तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। तीसरा चौथा पॉइंट देख लेते हैं, किस साइड बना है, मिरर है, मिरर का आगे बना है या पीछे बना है, मिरर का आगे बना है या पीछे बना है,
मिरर ए है, इसका फ्रंट साइड है, बैक साइड, बैक में बनाया क्या इमेज, क्या पॉइंट में बनाया, बैक साइड, इसलिए बोलते हैं इसको बिहाइंड द मिरर, मिरर का पीछे बनाया, इमेज क्या बनाया, बिहाइंड द मिरर। इतना बात समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, पॉइंट है पर डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका डिस्टेंस क्या होता है, अच्छे समझना, प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उसका डिस्टेंस क्या होता है। तो यहां से एक तो प्लेन मिरर ले लेते हैं, ओके लाइन की जरूरत है इसको, मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्टिव है, यहां पे ऑब्जेक्टिव वो लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे क्या है ऑब्जेक्ट, ऐसे काम करते हैं, सुने लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसको ओ सिग्नल करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से इमेज देखते हैं, बताओ मिनिमम कितना रे निकालना है, यहां से बताओ मिनिमम कितना रे को निकालना पड़ेगा, इमेज देखते हैं तो दो छोटे निकालना, ठीक है। देखो पहले एक तो परपेंडिकुलर बनाता हूं, परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो जिस रास्ता में गया उसी रास्ता में वापस आ गया, ठीक। और एक तुम्हें यहां से निकालता हूं, ये रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा है, ठीक है, यहां पे नॉर्मल है, नॉर्मल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, इधर सीधा इधर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ए इंसिडेंट है, आई है, ये आर है, ठीक है। अब देखो रियल में मीट करेगा लाइट रे, इसका रिफ्लेक्टर रे किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसका रिफ्लेक्टर रे इधर आ रहा है, मीट करेगा कभी, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, जब रियल में मीट करेंगे हम लोग को इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, तो इसका रिफ्लेक्टर रे का पीछे से इमेजिनरी लाइन बनाओ, इसका भी रिफ्लेक्टर रे पीछे से इमेजिनरी लाइन, तो यहां पे बन गया, यहां पे क्या हो गया मेरा इमेज हो, इतना बात समझ में आया सबको। अब हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में इमेज जो बना है उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक, मतलब यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, इसको एम दे रहा हूँ, इसको ओ दे रहा हूँ, इसको एन दे रहा हूँ, इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो, ठीक है। अब बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंटल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टर एंगल, मतलब आई इक्वल्स टू आर, इतना बात समझ में आया सबको, यहां पे लिख दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर है क्या नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी पढ़े हो ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टर एंगल, इतना बात समझ में आ गया, मतलब I इक्वल्स टू R, ठीक। अब देखो यहाँ पे कि I इक्वल्स टू मैं थीटा मान लेता हूँ, दोनों को इक्वल का वैल्यू कितना है, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये I एंगल और A वाला एंगल, मतलब ये I एंगल का नाम क्या, पी ओ, अच्छा यहाँ पे दो ठो हो गया, सॉरी यहाँ पे R दो, P R O N L, P R O N L equals to R O M N L, लिख सकता हूँ, अच्छे से देख लो फिर बताना लिख सकता हूँ कि नहीं, और कैसा टाइप एंगल आप लोग बताना, P R O N L equals to R O M N L, कैसा टाइप एंगल है लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, पहले अच्छे से देखो, पहले ड्रॉ को फिर बताओ, A वाला एंगल और A वाला एंगल सेम लिख सकता हूँ,
यस और नो? नहीं समझ में आया तो बोलो, लिख सकता हूं दोनों एंगल को इक्वल? क्यों, क्या बोलते हैं ऐसा टाइप एंगल को? बोलो क्या बोलते हैं ऐसा एंगल को? जेड बनता है, याद है आपको ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इंच, पढ़े होंगे मैथ में, जेड बनता है इस एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं? नहीं पढ़े हो आप लोग, नाइन में बहुत सारा प्रैक्टिस किया ऐसे टाइप क्वेश्चन, जेड बनता है जेड, इस एंगल को इक्वल है दोस्तों क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, नाम सुने हो? नाम सुने हो कि नहीं? अल्टरनेट एंगल नाम सुने हो आप लोग? तो ए एंगल ये एंगल दोनों सेम हो गए, ठीक है? अब देखो ए एंगल और ए एंगल क्या है? क्यू आर पी, क्यू आर पी इक्वल्स टू एन आर आई, लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? क्यू आर पी इक्वल्स टू एन आर आई लिख सकता हूं क्यों, वो भी बताना आपको अच्छे से देखो है नाम को, क्यू आर पी इक्वल्स टू एन आर आई लिख सकता हूं और क्यों लिख सकता हूं? अगर नहीं लिख सकते हो तो बोलो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसको? yes, क्या एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? नो, और कोई कुछ? बोलो और कोई कुछ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नाम सुने हो क्या? ऑपोजिट एंगल नाम सुने हो? अपोजिट एंगल कोई? देखो दोनों अपोजिट में है ना, ऐसा टाइप देखोगे तुम लोग, ऐसा टाइप वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना उसको, नाम सुने होंगे ना वर्टिकली अपोजिट, सुने होंगे नहीं? वर्टिकली अपोजिट तो ए आर, ए बी क्या हो गया? आर हो गया, ठीक। अब देखो इस साइड में एक जेड टाइप बना हुआ ए और ए, मतलब क्या कौन सा एंगल? एन आर आई एंगल, मैं इधर लिख रहा हूं एन आर आई एंगल इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बोलो? अब लोग बताओ एन आर आई एंगल इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? ड्रॉ को ध्यान से देख के बताओ कौन सा एंगल के साथ इक्वल है एन आर आई एंगल इक्वल्स टू? इधर भी तुझे बना है, ध्यान से देखो कौन सा एंगल है, नाम बताओ उसका। एन आर आई एंगल इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? जेड बना है इधर के एक, तो ध्यान से देखो आर आई एम, यस वेरी गुड, आर आई एम एंगल, आर आई एम एंगल दोनों सेम है, जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पे आर, ठीक है? अब यहाँ पे समझो अच्छे से, ये आई के साथ इक्वल हुआ, ये आर के साथ इक्वल, ये आई हो गया, ये आर हो गया, इतना बात लिख सकते हो यहाँ पे, ये आई के साथ इक्वल है मतलब ये भी आई, ये भी आई, ये आर के साथ इक्वल, ये भी आर, ये भी आर, तो आई इक्वल्स टू आर हम लोग पहले से लिख के रखे, आई इक्वल्स टू आर पहले से लिख के रखे, तो ये दोनों एंगल को इक्वल लिख सकता हूँ, ये सब दोनों एंगल को इक्वल लिख सकता हूँ, ये वाला और ये वाला, तो लिख देता हूँ, देखो कैसे लिखा, तो ये एंगल का नाम क्या, आर ओ एम एंगल, आर ओ एम एंगल इक्वल्स टू हो गया आर ओ एम एंगल इक्वल्स हो गया आर आई एम एंगल, आर आई एम एंगल, ठीक। अब देखो आप लोग कॉन्फिडेंसी पढ़े हो, नाइन में पढ़े होंगे कॉन्फिडेंसी, मैं इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले रहा, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम आर ओ एम एंगल, आर ओ एम एंगल, और ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, एंड ट्राइंगल आर आई एम एंगल, आर आई एम एंगल, क्या क्या इक्वल है आपको अच्छे से देख के बता ना, आर ओ एम एंगल और आर आई एम एंगल क्या क्या इक्वल है बताओ, कंडीशन पहला
बार देख के बताओ जल्दी से, कोशिश करो। आप लोगों को दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, क्या क्या इक्वल है जल्दी जल्दी कोशिश करो। बोलोगे नहीं तो सीखो। पहला बोलो एंगल ओ इक्वल टू एंगल आर। हाँ एंगल ओ मतलब इसको पूरा नाम लिख रहा हूँ, आर ओ एम एंगल इक्वल्स टू आर आई एम एंगल। ओके और कुछ दूसरा? मैं दूसरा बता रहा हूँ, बोलिए सुनो। ए और ए एंगल कितना कितना करके बताओ भाई, एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। मतलब क्या होगा, आर एम ओ एंगल, आर एम ओ एंगल इक्वल्स टू आर एम आई एंगल 90। और कुछ दिख रहा है इक्वल? और कुछ दिख रहा है तो बताओ। आर एम क्या? आर एम, आर एम कॉमन, वेरी गुड। सी है आर एम इक्वल्स टू आर एम कॉमन। तो ये कंडीशन सब लोग कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल आर ओ एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर आई एम। इतना बात समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो क्या करो, कॉन्ग्रुएंस होने के बाद अल्टरनेट साइड को, अल्टरनेट एंगल को इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। मतलब कॉन्ग्रुएंस होने के बाद इस साइड को इक्वल लिख सकता हूं। Corresponding parts of congruent triangle, आप लोग पढ़े होंगे, CP, CT नाम सुने होंगे। Corresponding parts of congruent triangle, जब congruent हो जाते हैं ना, उसके बाद alternate side angle को हम लोग equal लिख सकते हैं। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, OM equals to IM, जिसको बोलते हैं corresponding parts of congruent triangle, CP, CT, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे समझो अच्छे से। O क्या था मेरा, हम लोग को ऑब्जेक्ट था, ठीक। I क्या था बोलो, I क्या था, I क्या था, नहीं बता पा रहे हो। I क्या था, वो ऑब्जेक्ट था। I क्या था, I को क्या बोलेंगे हम लोग, I पे क्या बनाया था हम लोग, वहां पे इमेज बनाया था, इमेज ना पढ़ लिया पूरा, लास्ट में आ गया। आई क्या था उसको नहीं बोल पा रहा हूँ। ओ एम, ओ क्या था ऑब्जेक्ट था, आई क्या था इमेज था। मतलब क्या हुआ, देखो मिरर से ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस सेम है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये देखो इमेज से, सॉरी ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस है और इमेज से मिरर का जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है, बराबर है। इसीलिए देखो कि आईने के सामने कभी खड़ा रहे तो ना, आप लोग जितना दूर में जाओगे इमेज भी उतना दूर में जाओगे। मतलब इमेज से मिरर का जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर चेंज करूंगा तो मिरर का इमेज का डिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज हो। इसीलिए देखोगे आईना के सामने कभी भी अगर खड़े रहोगे, अगर आप लोग दूर में जाओगे तो इमेज को भी दिखता है ना दूर दूर में जा रहे हैं। मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस क्या हमेशा सेम रहते हम लोग से, आई मीन ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस होगा और मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, आई मीन सेम होगा। बात समझ में आया, इतना समझ में आया?